Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, parents, and all viewers, listen carefully to this daughter, Zari Fatima. Yaqeenan, aap bahut mutasar honge. Mukammal suniye chadakala. Salli ala Rasulil Kareem. Amabad faus billahi min shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May peace, blessings, and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Amin. I welcome to all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum. Here it's Ms. Zari and I'm a student of FSC Medical Part 1 at Himalayas Group of Colleges, a project of ELC, English Language Club. And today, by the grant of Almighty Allah, I'm standing here in front of you to share my point of views about importance of education. So, next subject about education, jab bhi aap market mein jaate hain, koi bhi cheez lete hain. मिसाल के तौर पर गर्ल्स हैं, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, करीम लेने जाते हैं बाजार, तो आप उधर जब दुकान में जाते हैं आपको कोई दुकानदार दिखाएगा कोई भी चीज़, आप सबसे पहले उसका फ़ायदा पूछते हैं ना कि इसका फ़ायदा क्या है, ये मैं इस्तेमाल तो कर लूँगी लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा पूछते हैं ना. तो आसान हो रहा है, आसान चीज़ देते हैं, सबसे पहले आप उसका फ़ायदा पूछते हैं. तो क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशन हम जो हासिल करें इसका भी कोई फ़ायदा होगा? बेसिकली एजुकेशन क्या है? एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ पर्सन लाइफ. एजुकेशन एक इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है. कैसा लगता है आप सबको? जिसको ऐसा लगता है वो तालियां बजाएगा ज़रा. तालियां देखकर तो लग रहा है सबको ही लगता है कि एजुकेशन इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है, इससे सारे एग्री हो गए. अब देखिए एजुकेशन है क्या. बेसिकली एजुकेशन इज द अबिलिटी which improves our personality and make us distinct from others. कि education क्या है? आपके education वो है जो आपकी personality को improve करती है, आपकी personality को change करती है. उसके बाद क्या? आपको एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाती है, distinct करती है आप लोगों को. Education अगर हम उधर north side पर देखें तो वहाँ पर क्या होता है, उन बच्चों से education की आप लोग इंपॉर्टेंस पूछे जहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं की जाती चीज़ें, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है. आप लोग इधर स्कूल में बैठे हैं, एक छत के नीचे हैं, एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये तालीम नहीं मिल सकती. उनसे इसकी कदर पूछें, उनसे इसकी अहमियत पूछें, वो लोग आप लोगों को बताएंगे. क्योंकि हमें अपनी रोशनी का अंदाज़ा तब होता है जब हम अंधेरे में होते हैं. और हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट कि आपके घरों के अलमारियों में जो आपकी प्राइजेस पड़े हुए हैं, आपकी शील्ड्स पड़ी हुई हैं, वो आपकी एजुकेशन नहीं है. वो शीट्स, वो अलमारियों में जो आपके पड़े हुए हैं कप्स वगैरह, वो आपके घर रह गए. एजुकेशन है आपकी जो पर्सनैलिटी में नजर आएगी. योर एजुकेशन इज सीन इन योर पर्सनैलिटी. ठीक है, एजुकेशन वो जो कप्स वगैरह आप लोगों ने लिए वो साइड पर पड़े, आपसे कोई मिल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपका एजुकेशन. आप लोग उसे वो अपना मार्कशीट नहीं दिखाओगे, ये देखो मैंने इतने नंबर लिए हैं. आपको कोई देखेगा, आपसे कोई बात करेगा, आपको जज करेगा, जो सबसे पहला इम्पैक्ट आप लोगों का होगा वो आपकी पर्सनैलिटी का होगा. आपकी पर्सनैलिटी को देखकर पहला इंप्रेशन उसके माइंड में आपका बन गया. अब पर्सनैलिटी क्या थी? पर्सनैलिटी में अगर हम देखें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारे पास आती है तीन चीज़ें. सबसे पहले हमारे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है माइंड, देन बॉडी, सॉल. रिपीट आफ्टर मी, माइंड, बॉडी, सॉल. माइंड, बॉडी, सॉल. ये क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है. आपकी पर्सनालिटी है ना, आपकी पर्सनालिटी में ये तीन चीज़ें होती हैं. सबसे पहले होता है माइंड, देन आपकी बॉडी और देन सोल. सबसे पहले माइंड क्या है? मेंटल डेवलपमेंट. क्या है ये? मेंटल डेवलपमेंट. अब आपकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगी? कोई भी चीज़ आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोगों का एक नेगेटिव इंप्रेशन हो जाता है, यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं. एक इंप्रेशन आ गया ना माइंड में, वो चीज़ नेगेटिव चीज़ों को आप लोगों ने दूर भगाना है. उससे आपकी क्या होगी? मेंटल डेवलपमेंट. जैसा आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं. हमारी मैम है जो कहा करती हैं कि इंसान को सोचना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन 90% पॉजिटिव सोचे बट उसके साथ 10% आप लोगों ने नेगेटिव भी सोचना है. नेगेटिव क्यों सोचना है? कि हमेशा हालात इंसान के हाथ में नहीं होते, ठीक है ना. बाज़ुकात जो हमने सोचा होता है ना उसके अपोजिट हो जाता है. इसीलिए जब अपोजिट चीज़ें हो हमने उसके लिए 10% पहले ही रेडी रहना है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो तो हमने उसके अकॉर्डिंग, हमें कोई जैसे लोग सदमा हो जाते कि ये क्या जो मैं सोचा वो तो हुआ ही नहीं, वो सबसे पहले बात.
कहा जाता है नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। नेगेटिव जैसे सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। रिपीट आफ्टर मी, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, पॉजिटिव इन नेगेटिव इन नेगेटिव इन जैसा सोचोगे वैसा होगा आपके साथ, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप लोग गंद सोचोगे ना तो आपके साथ होना भी गंद ही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी, बॉडी में हमारी पर्सनालिटी, बॉडी की डेवलपमेंट। इसमें हमारी आ जाती है फिजिकल डेवलपमेंट, क्या है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज सबसे पहले किस में हो जाती है, सुबह सुबह नमाज पढ़ते हैं उठकर उसमें एक्सरसाइज हो जाती है ना। उसके अलावा भी आपकी बॉडी एक्सरसाइज, इसमें स्लीप आ जाती है आप लोगों की, जो प्रॉपर स्लीप अगर आप लोग लोगे ना, अगर प्रॉपर स्लीप आप लोगों की नहीं है आपकी बॉडी डेवलप नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने सुबह सोना ही रात को लेट है, सुबह लेट उठना है, तो स्कूल आप लोग अगर लेट आते हैं एक दिन, तो क्या आपको पूरा दिन वैसे गुजरता है, नहीं। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोग फर्स्ट लेक्चर में आए हैं, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आके क्लास में बैठेंगे, क्या आप लोग वैसे सेटिस्फाइड रहेंगे जैसे आप पहले आ जाते हैं, सभी टाइम आए तो सेटिस्फाइड रहता है ना पूरा इंसान। लेकिन जब फर्स्ट लेक्चर टेंशन से ही चल रही होती है, पता भी नहीं आता कोई टेंशन है कि पता नहीं क्या टेंशन है, होता है ऐसा। देन हमारे पास आती है सोल। सोल क्या, हर चीज़ का एक मकसद होता है। हम भी इस दुनिया में आए हैं, हमारा भी कोई मकसद है। कुरान में जीत में अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी खलकल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया कि मेरी इबादत करो। मकसद है हमारा, अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के तहत पैदा किया ना, तो जब हम और जब हमारा मकसद ही पूरा होगा तो क्या हमारी रूह इत्मीनान में रहेगी, आपको सेटिस्फेक्शन होगी, नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद बनाया, जब आप कोई चीज़ लेते हो, आप लोग पंखा है, पंखा आप लोगों ने लिया कि हमें हवा देगा, पंखा यहाँ पर लगा, जब ये पंखा हवा ही नहीं देगा तो आप लोगों को सेटिस्फाई हो इस पंखे से, नहीं ना। इसी तरह हमारी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी पैदा किया कि इबादत के लिए, और इबादत ना करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ही पूरा ना, मकसद नहीं पूरा हो रहा तो हम सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे कभी। और अब इबादत देखिए क्या है, इबादत सिर्फ इबादत नमाज रोज़ा ज़कात हज, ये इबादत नहीं है। इंसान का हर एक एक्ट, एवरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू इबादा। हर इंसान का जो अमल है वो इबादत में कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे, दो क्राइटेरियाज हैं आपके एक्ट में, दो चीज़ें होनी चाहिए। योर एक्ट शुड बी डन ओनली एंड ओनली फॉर द प्रेज ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आप लोगों का जो भी किरदार, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो किसके लिए होना चाहिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। फर्स्ट बात ये हो गई हमारी। सेकंड क्या थी, सेकंड ये है कि जो भी आप लोग काम कर रहे हैं ना, वो सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। योर एक्ट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू सुन्ना, किसके मुताबिक, दो चीज़ें आपको बताइए। अगर आपके काम में ये दो चीज़ें ना, आपका हर काम इबादत है। सबसे पहले क्या चीज़ थी, नहीं जो आप अल्लाह ताला की खुशनुदी, सबसे पहले आपके काम में क्या चीज़ होनी चाहिए, अल्लाह ताला की, देन उसमें क्या होनी चाहिए, सुन्नत, वो काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। तो आपका हर काम क्या हो जाता है, इबादत, ठीक है। तो ये हमारी आज की थी, ये हमारे पास कुछ ब्रोशर्स हैं, परफॉर्मेंस।